हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश के सामने खड़ी इस मुश्किल घड़ी में जहां कुछ मुनाफेखोर इंसानियत को ताक पर रखकर कालाबाजारी में लगे हैं, वहीं यूपी के बुलंदशहर में जेल बंदियों ने बिना मेहनताना लिए मास्क तैयार करने की मुहिम शुरू कर देश के सामने शानदार नजीर पेश की है। जिला कारागार में बंदी 500 मास्क हर रोज तैयार कर बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। जेल प्रशासन जिला प्रशासन को 20,000 मास्क बनाकर देगा। सिलाई मशीन की मदद से मास्क बना रहे जिन लोगों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर जिला कारागार की हैं। दरअसल बुलंदशहर में कोरोना वायरस संक्रमण के खात्मे की मुहिम में जिला कारागार के बंदी भी शरीक हो गए। बुलंदशहर जिला कारागार में 10 बंदी रोजाना 500 मास्क तैयार कर नजीर पेश कर रहे हैं। जेल में तैयार किए गए इन मास्कों को सस्ती दरों पर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि जहां बाजार में एक एक मास्क के लिए मारामारी मची है, वहीं बंदियों द्वारा तैयार मास्क की कीमत बेहद कम रखी गई है। बुलंदशहर जेल में सुबह से शाम तक मास्क बनाने का काम जारी है। खुशफहमी की बात यह है कि देश के सामने खड़ी इस मुश्किल घड़ी में बंदियों ने मास्क के बदले मेहनताना लेने से भी इनकार कर दिया है। वहीं जिला जेल प्रशासन ने जेल परिसर में साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं। जेल में कई जगह हाथ धोने और सैनिटाइज करने के प्रबंध हैं। जेल अधीक्षक ओपी कटियार की माने तो साफ सफाई अपनाकर ही कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। 19 मार्च के बाद एक सप्ताह के लिए बंदियों की मुलाकात टोटल 26 तारीख के लिए टोटल मुलाकात हमने बंद कर दी। फिर इसके बाद अपने सभी बंदी भाइयों को मास्क वितरित कराने के लिए हमने कारागार स्तर पर ही तैयारी की और 2100 मास्क तैयार करा करके सभी बंदियों को बांट दिए गए हैं और उनसे ये कहा गया है, उनको जागरूक किया गया है कि बिना मास्क के वो बैरक में नहीं रहेंगे, मास्क लगा कर ही रहेंगे। इसके बाद सभी बैरकों में हमने जो है साबुन उपलब्ध करा दिया और बंदियों को जागरूक किया, उनको बताया समझाया कि वो कोई भी चीज़ छुएंगे, किसी से मिलेंगे, तत्काल अपने हाथ जो है साबुन से अच्छी तरीके से कम 20 सेकेंड तक वो जो है साबुन से हाथ धोकर धोएंगे और उसके बाद ही वो खाना खाएं या कि अपने बिस्तर बैठें या लेटरिन बाथरूम जाएं। इन चीज़ों को हमने किया है। इसके अलावा जो है अब हमको जो है जिला प्रशासन द्वारा 20,000 मास्क तैयार कराने का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें कल ही एक कमेटी एडीएम फाइनेंस साहब के निर्देशन में बनाई गई थी, उनके अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था और एडीएम ई और सीमो साहब भी थे उस कमेटी में। उसमें जो कारागार में मास्क हमने बना के अपने बंदियों को वितरित किए हैं, उनको मैं ले गया था, उनको देखा गया और देख करके उनको पास किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा उस कमेटी द्वारा 20,000 मास्क कारागार में ही तैयार कर बांटने के लिए हमको ऑर्डर मिला है, जो कल से ही मास्क बनवाना मैंने शुरू कर दिया है। जेल अधीक्षक ने लोगों से साफ सफाई रखने, मास्क लगाने और अपने आसपास के इलाकों को सैनिटाइज करने की अपील की। उनका कहना है कि कोरोना से बचाव और जागरूकता ही कोरोना का इलाज है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।